हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के भेद और उपसर्ग किस तरह से लगाए जाते हैं, तो हमने उपसर्ग के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय, देखिए इस चित्र के अंदर क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे लिखा है, यह है मेरे चाचा जी हैं और यह है मेरा चचेरा भाई निहाल है। तो बच्चों इसमें दो लड़के हैं और एक उनके लड़के के एक पिताजी हैं। तो इसमें एक लड़का कहता है कि यह है मेरे चाचा जी हैं और ये मेरा चचेरा भाई निहाल है। तो बच्चों देखो, चचेरा का अर्थ क्या होता है। चचेरा का अर्थ होता है चाचा का बेटा, ठीक है। तो यह है शब्द, चाचा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से ही बना है, जैसे चाचा जमा एरा बराबर चचेरा। तो यहाँ पर देखिए एरा क्या है, एक प्रत्यय है। तो चाचा में जब हमने एरा प्रत्यय लगाया तो ये चचेरा बना। तो बच्चों प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में हम शब्द के पहले लगाते हैं वो उपसर्ग है, यहाँ पे शब्द के अंत में लगाते हैं। तो अंत में लगाकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए जैसे और हम आगे दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर देखते हैं, जैसे संगीत जमा कार, यानी कार क्या है, प्रत्यय। तो ये क्या बन गया, संगीतकार, ठीक है। चौड़ा जमा आई, आई क्या है, प्रत्यय है। तो क्या बना ये, चौड़ाई। समाज जमा इक, तो ये बना सामाजिक। तो यहाँ पर देखिए कार आई इक ये सब क्या है, ये प्रत्यय है। तो हमने शब्दों में प्रत्यय लगाकर इनके अर्थ में परिवर्तन हुआ, अर्थ में परिवर्तन आया। जैसे संगीत का हो गया संगीतकार, जो संगीत बजाता है। चौड़ा का हो गया चौड़ाई और समाज का हो गया सामाजिक। ये हमने एक प्रत्यय लगाकर अर्थ में परिवर्तन किया। देखिए बच्चों, ये तो हमने प्रत्यय के बारे में समझा था। अब हम प्रत्यय के प्रकार के बारे में जानेंगे। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो हम इनको एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे और दोनों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कृत प्रत्यय को देखते हैं और समझते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इनके मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी कि कृत प्रत्यय क्रिया और धातु के पीछे लगने के बाद संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं और इनके मेल से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत शब्द कहते हैं। ये तो हो गई कृत प्रत्यय की परिभाषा। अब देखिए कृत प्रत्यय के हम उदाहरण देखते हैं, जैसे पढ़ और पढ़ाई। तो देखिए यहाँ पे जो पढ़ है जमा आई क्या है, प्रत्यय। तो ये क्या बन गया, पढ़ाई, यानी कि इसकी संज्ञा में इसके विशेषण में परिवर्तन आना है, पढ़ाई। उड़ जमा उड़ना, तो ये हो गया उड़ान। ये कृत प्रत्यय के उदाहरण थे। अब देखिए कृत प्रत्यय के पांच भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के पांच भेद होते हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कृतवाचक कृत प्रत्यय, जब मूल धातु में कृत प्रत्यय जोड़ते हैं
तो उससे निर्मित शब्द कर्ता या विशेषण शब्द बनते हैं। देखिए यहाँ पर जब जब कोई मूल धातु होती है उसमें जब हम कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे जो शब्द बना वो कर्ता या विशेषण शब्द से बनते हैं। जैसे चल, चल क्या है, मूल धातु है। अब इसमें हम कृत प्रत्यय लगाएंगे अक, तो ये क्या बन गया, चालक यानी कि कर्ता। तो यहाँ पे मूल धातु जमा अक क्या हुआ, प्रत्यय है जैसा हमने पढ़ा, और चालक क्या बन गया, एक निर्मित शब्द बन गया। इसी तरह से हम दूसरा आगे शब्द बनाते हैं इक्त जमा लिख। इत क्या है, मूल धातु है, और लिख बराबर क्या बन गया, ये लिखित। आक जमा तेर यानी कि तेराक। अनिय जमा निंदा निंदनीय। तो यहाँ पर देखिए इत आक अनिय ये सब क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, इनसे हमने शब्द बनाए। अब दूसरा देखते हैं हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब मूल धातु में कर्मवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे बनने वाले शब्द कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जब 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 कोई मूल धातु होती है उसमें कर्मवाचक कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे जो शब्द बनेगा वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे थक, थक है मूल धातु। अब यहाँ पे आन, ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, तो इससे क्या बनेगा, निर्मित शब्द क्या है, थकान। तो देखिए यहाँ पे थकान यानी कि कर्म है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय ये बना यहाँ पे। इसी तरह से अब हम नीचे मूल धातु देखते हैं और इनमें प्रत्यय लगाकर लगा के नए निर्मित शब्द बनाते हैं। देखिए खेल और बिछा, इसमें जब हम ओना प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन गया खिलौना और बिछोना। पाल, खा और गा, इनमें जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा पालना, खाना, गाना, ठीक है। ओढ़ और चल, इसमें जब हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा ओढ़नी और चलनी। अब तीसरा हम देखते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में करणवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द करणवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कि मत है मूल धातु है, और आनी क्या है, करणवाचक कृत प्रत्यय, तो ये क्या बना, मूल निर्मित शब्द मथानी। इसी तरह से आगे देखते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे कि मील है, मिल क्या है, मूल धातु है, तो जब मिल में जमा आप में भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो निर्मित शब्द क्या बनेगा, मिलाप। तो मिल जमा आप मिला, तो यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। आगे देखिए क्रियावाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जब मूल धातु में क्रियावाचक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द क्रियावाचक बनते हैं, इसी कारण इसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ जमा आ बराबर पढ़ा, तो यहाँ पे देखिए पढ़ क्या है, मूल धातु है, और आ है क्रियावाचक कृत प्रत्यय है, तो इसमें जब हमने आ इसमें जोड़ा तो ये क्या बना, पढ़ा, यानी कि ये क्रिया बनी, तो ये क्या है, पढ़ा, पढ़ना क्या है, एक क्रिया, तो यहाँ पे पढ़ा, ये एक क्रियावाचक कृत प्रत्यय बना। हंस, हंस में जब हम जमा ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा हंसता, तो हंसता क्या है, क्रिया, तो ये क्या बना, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। खा जमा कर बराबर खा कर, तो यहाँ पे देखिए खा में कर प्रत्यय हमने जोड़ा,
तो ये क्या बना, खाकर। तो खाकर क्या है, एक क्रिया हुई, क्रिया। तो ये खाकर जो है, पढ़ा, हंसना, खाकर, ये सब क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हमने देखे और पढ़े और समझे। अब देखिए दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हमने कृत प्रत्यय के बारे में जाना, कृत प्रत्यय के हम भेद के बारे में हमने समझा और पढ़ा। अब दूसरा हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। किसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द की रचना करते हैं ना, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हम देखते हैं, लड़का और लड़कपन। तो देखिए यहाँ पे जो लड़का है इसमें प्रत्यय लगाया हमने पन, तो ये क्या बन गया, लड़कपन। जैसा कि हमने पीछे परिभाषा में देखा था, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना हुई। तो यहाँ पे देखिए नए शब्द की रचना हुई है लड़कपन, तो ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है। अब आगे देखिए लघु और लघुता। तो यहाँ देखिए लघु जमा ता है प्रत्यय, तो यहाँ पे बन गया लघुता, ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है। इसी तरह से खट्टा जमा आस, देखिए खट्टा क्या है, विशेषण है। अब इसमें हमने जब आस तद्धित प्रत्यय हमने इसमें लगाया तो ये खटास यानी कि क्या बन गई, ये संज्ञा बन गई। इसी तरह से धोबी, अब यहाँ पे धोबी क्या है, देखिए संज्ञा है, धोबी यहाँ पे संज्ञा है और इन है तद्धित प्रत्यय। तो धोबिन यानी कि ये विशेषण बनी है धोबिन, तो ये क्या हुआ, तद्धित प्रत्यय के ये उदाहरण है। आगे देखिए तद्धित प्रत्यय से, जो तद्धित प्रत्यय से बनने शब्द भी पांच प्रकार के होते हैं। एक होता है भाववाचक संज्ञाएं, दूसरा होता है ऊनवाचक या लघुतावाचक संज्ञाएं, संबंधवाचक संज्ञाएं, कृतवाचक संज्ञाएं और विशेषण शब्द। तो चलिए हम इनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम भाववाचक यानी कि लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में हम देखते हैं कैसे होते हैं ये। तो देखिए अभी मूल शब्द है, जमा प्रत्यय है और इससे निर्मित बनने वाले शब्द हैं। तो देखिए अच्छा, जब अच्छा बुरा, जब इसमें हम आई प्रत्यय लगाएंगे तो निर्मित शब्द क्या बनेगा, अच्छाई, बुराई। इसी तरह से भाव है ये, अच्छाई और बुराई क्या है, भाव आ रहे हैं इसमें, तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। पूजा, मोटा, बुढ़ापा, जब इनमें हम आपा प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेंगे पूजा, पूजापा, मोटापा, बुढ़ापा, यानी कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाव है ना इसमें। खट्टा, मीठा, इसमें हम जब आस लगाएंगे तो खटास और मिठास, ये है भाव यानी कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय। गरम, कड़वा, चिकना, अब इसमें देखिए आई प्रत्यय लगाएंगे, आहट इसमें प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा गर्माहट, कड़वाहट और चिकनाहट, ये क्या बने, ये सब प्रत्यय हैं, ये सारे जो निर्मित शब्द हैं ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय के तद्धित प्रत्यय है। दूसरा देखते हैं ऊनवाचक यानी लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पे देखिए लोटा, डिब्बा, खाट, जमा इया, यानी कि इसमें इया प्रत्यय है तो कैसे क्या शब्द बनेगा, लुटिया, डिबिया, खटिया। इसी तरह से नद, नाला, थाल, पढ़ाई, पहाड़, जब इसमें हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेंगे नदी, नाली, थाली, पहाड़ी। खाट, सांप, इसमें जब ओला प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा खटोला, सपोला। कोठा, छाता, जमा री, तो ये बना कोठरी, छतरी। तो ये शब्द ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय के तद्धित प्रत्यय हैं।
आगे देखिए संबंधवाचक तदिश प्रत्यय देखते हैं। ससुर, ससुर में जब हम आल प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा ससुराल, यानी कि संबंध है ना, ये संबंध ससुराल संबंधवाचक तदिश प्रत्यय है। नाना नानी, जब इसमें हम जमा हाल यानी प्रत्यहाल हम लगाएंगे तो ये बना ननिहाल। आत्म जमा ज जा, ये बना आत्मज आत्मजा। चाचा मामा फूफा मौसा जमा एरा, तो ये बना चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा। तो देखिए इसमें ये निर्मित शब्द जो हैं ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इसमें ये तद्धितवाचक संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, इस तरह के निर्मित शब्द। आगे देखिए कृतवाचक संज्ञाएं बनाने वाले शब्द हम देखते हैं। मूल शब्द है लोहा सोना, जब इसमें हम आर प्रत्यय लगाएंगे तो निर्मित शब्द बनेगा लुहार सुनार। मुख दुख रसोई जमा इया, तो ये बना मुखिया दुखिया रसोईया। सुख दुख शास्त्र धन, इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये बना सुखी दुखी शास्त्री धनी। तो ये बच्चों ये हैं कृतवाचक संज्ञाएं बनाने वाले शब्द। दूसरा हम आगे देखते हैं विशेषण बनाने वाले शब्द, तद्धित प्रत्यय देखते हैं। मूल शब्द देखिए भूख प्यास प्यार, इसमें प्रत्यय हम जब आ लगाएंगे तो निर्मित शब्द बनेगा भूखा प्यासा और प्यारा। इसी तरह से दया कृपा झगड़ा जमा आलू, आलू क्या है यहाँ पे देखिए, आलू यहाँ पे सब्जी वाला आलू नहीं है, ये आलू यहाँ पर प्रत्यय है। तो इससे आलू जब इसमें लगाएंगे तो ये निर्मित शब्द क्या बनेगा, दयालु कृपालु और झगड़ालु। दिन मास धर्म, इसमें हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा दैनिक मासिक धार्मिक। तो ये सब क्या है, ये विशेषण है। तो ये शब्द क्या बने, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। आगे देखिए हम आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।